मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है, जिस आचौर्य अणुव्रत के अतिचार क्या होते हैं वो यहाँ बताए जाते हैं। इस्तेन प्रियो तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। यह जिन्होंने अचौर्य अणुव्रत लिया है ऐसे अगारियों के लिए, उस अचौर्य अणुव्रत को निर्दोष बनाए रखने के लिए पांच प्रकार के जो अतिचार हैं, दोष हैं, इनसे बचने का एक उपक्रम बताया जा रहा है। ये पांच दोष चोरी नहीं करते हुए भी इस तरह से लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है स्तेन प्रयोग, यानी चोरी के लिए प्रयोग कराना या उसको प्रेरणा देना कि वह स्तेन की किसी को प्रेरणा ना दे। स्तेन माने होता है चोरी और प्रयोग माने होती है प्रेरणा, उसका प्रयोग कराए, भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करके देखो कैसे होता है, तो यह उसका दोष कहलाएगा। चोरी करने के लिए उकसाना, जो चोरी नहीं करने की इच्छा रखता है उसको चोरी के बारे में बता करके उन वस्तुओं को अपने पास में बुलाना, और स्वयं चोरी नहीं करना, ये जो है उसके लिए एक अतिचार के रूप में यहाँ पर कहा गया है। अब आप समझें कि यहाँ पर अणुव्रत के माध्यम से भी ये जो अतिचार दिए जाते हैं, ये अतिचार भी कभी कभी इतने बड़े बड़े लगते हैं कि इन्हें केवल अतिचार रूप कहना भी कैसा लगता है कि ये थोड़ा सा अतिचार ना होकर के ये बड़ा सा दोष हो रहा है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि आचार्यों ने श्रावक की, जो घर में रहने वाला गृहस्थ है, उसकी अनेक तरह की परिस्थितियों को देखते हुए इसी तरह से इन व्रतों को उसे पालन करने को कहा है कि वह इन व्रतों का पालन करे, और निरतिचार करता है तो उसके लिए वह निर्दोष व्रतों का फल अलग ही होता है। रत्नखंड श्रावकाचार में कहा गया है कि इन पांच पंच अणुव्रत निधय निरतिक्रमणा फलंती सुरलोकम। निरतिक्रमणा का मतलब जो निरतिचार रूप से इन पांच अणुव्रत की निधियों का भी पालन करता है तो उसे सुरलोक में अच्छी महर्धिक देवपने की प्राप्ति होती है, यानी बहुत महान रिद्धि वाला भी वो देव बन जाता है, एक अणुव्रती श्रावक भी। तो निरतिचार में मुख्य रूप से तभी आ जाता है जब वो कृत के साथ साथ कारित और अनुमोदना का भी त्याग करे। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि इन अणुव्रतों का पालन करते हुए उसे केवल पहले कृत का ही त्याग करना होता है, तो वह जब कृत का त्याग कर लेता है तो उसके लिए कारित और अनुमोदना से जो अतिचार लगता है उससे बचने के लिए यहाँ अतिचार दोषों में उसे गिनाया जा रहा है। तो स्तेन का प्रयोग और तदा हृतादान, उस जो चोर है वह जो चुरा करके लाया है उसका आदान माने ग्रहण करना, उस चोरी के द्वारा लिए हुए सामान को ग्रहण करना, अब चाहे उसको पैसा दे करके ग्रहण करना चाहे बिना पैसा में ग्रहण करना। बिना पैसा में ग्रहण करेंगे तब तो चोरी स्पष्ट है ही है, लेकिन पैसा दे करके भी अगर उस माल को लिया जाता है तो भी वह लोक में चोरी के रूप में ही कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग चोर होते हैं और वो जिन दुकानों पर जाकर के माल बेचते हैं, अगर वो कभी चोर पकड़े जाते हैं तो उन दुकानदारों को भी पकड़ा जाता है जो चोरी का माल लेते हैं, नहीं पकड़े जाते है ना। तो ये उसी में आ जाता है, माने ये लोक में भी इसको चोरी के रूप में ही कहा गया है। तो इसमें एक तरह से इसे
दोष के रूप में जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये दोष भी आप बड़ा दोष समझना, यूं नहीं समझना कि अतिचार है तो चलता है, क्योंकि वो अतिचार फिर जो है बहुत बड़ा एक तरह से पाप का कारण बन जाएगा, और वह अतिचार अगर क्वचित कदाचित कभी हो गया तो वो तो भूले भटके होगा, धोखे से होगा कि भाई हमें पता नहीं था, अचानक से कोई व्यक्ति आया, हमें कोई सामान दे गया और पैसा पूरा ले गया, हमें पता नहीं था कि चोरी करके लाया, तो वो अतिचार हुआ, ऐसा भी समझना इसको। और अगर हमने आदत डाल रखी है कि यहाँ पर सब जितने भी आते हैं सब दे जाते हैं और 2000 का माल हम 200 में ले लेते हैं, तो वो फिर हमारे लिए अतिचार नहीं है, वो तो फिर आचार्य व्रत का पूरा भंग ही हो गया, इसे समझे। विरुद्ध राज्य का अतिक्रमण करना है ना, यानी कि राज्य के जो विरुद्ध चीज़ें हैं उसको करना, जिन बॉर्डरों पर मनाही है कि यहाँ से कोई भी माल इन बॉर्डर से इस बॉर्डर के अंदर जो है इस कंट्री में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बाईपास एरिए से और तरी तरी से ले आते हैं, और दूसरी कंट्री में जो माल सस्ता मिलता है ना, उसको यहाँ पर लाने में उन्हें कोई चार्ज ना लगे, इस तरीके की व्यवस्थाएँ बनाते हैं, या जो लोग लाने ले जाने वाले होते हैं उनसे इस तरीके से कॉन्टैक्ट रखते हैं कि उन्हें भी कुछ दे देते हैं और माल अपना भी ले लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाता है। राज्य के नियमों के अनुसार चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े उसमें टैक्स लगेंगे, तो वो नहीं लगे, इसलिए जो है इस तरह की क्या बोलते हो, खुरापात है ना, इस तरीके की एक्टिविटी करना, ये सब जो है इसी में आ जाता है, तो ये भी बहुत चलता है। तो आचार्य अड़व्रत वाला अपना जो भी व्यापार रखता है वह इतना अच्छा रखता है, साफ सुथरा रखता है कि उसे राज की नियमों का उल्लंघन न करना पड़े, जो भी टैक्स की चोरियां हैं वो उसे न करना पड़े, जो भी बिल हैं वो सब उसके लिए जैसा गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, जिस तरीके की GST जिस पर लगती है उतना उसके लिए पूरा दे दिया जाए और वह निश्चिंत होकर के अपना व्यापार करे। तो इस तरीके से करने से ही उसको निश्चिंतता आएगी। और अगर यह कभी कभार हो जाता है तो ये एक अतिचार है, अगर रोजाना होता है तो फिर ये अनाचार में चला जाता है ना, आदत ही बना रखी है कि हमें बिजली का बिल देना ही नहीं, पानी का बिल देना ही नहीं, तो वो जो है फिर भंग हो जाता है, फिर वो चोरी में ही कहलाता है। इसी तरीके से हीनादिक मानोन्मान, जो मानोन्मान की चीज़ें होती हैं तो उनको भी हीनादिक कर लेना है ना। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो जिनसे हम कोई भी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं उनको हम नापते हैं, लीटरों में, मिली लीटरों में है ना ये, और एक वो चीज़ होती हैं जिन्हें हम बांट आदि से नापते हैं, 10 किलो का बांट है, 5 किलो का बांट है, 2 किलो का बांट है। तो इस तरीके के ये मान और उन्मान, ये दोनों चीज़ें, इनमें भी हीनादिकपना कर लेना, लेते समय तो अधिक ले लेना, देते समय में कम देना, ये जो होता है ये भी चोरी के दोष में ही आ जाता है। प्रतिरूपक व्यवहार, ये तो चलता ही रहता है, खूब चलता है ना, बड़े बड़े बिजनेस में ये सब चलता रहता है। प्रतिरूपक का मतलब जिन चीज़ों के रूप रंग एक जैसे हैं उन चीज़ों को असली चीज़ों में मिला करके उनका वजन बढ़ाना या उसकी जो है क्वांटिटी बढ़ाना और फिर उसको सेल आउट करना, ये सब प्रतिरूपक व्यवहार में आ जाता है। अब आगे आता है ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत के 5 दोष, किसके, हाँ, पर विवाह करने त्वरिका, परिग्रहिता, परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा, काम तीव्रान भिनिवेश। ये जो ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत जिन्होंने लिया है उनके लिए ये अतिचार के रूप में बताया जा रहा है कि जिन्होंने मैथुन का त्याग किया है वह इस प्रकार के दोषों में भी अपने दोषों को गिनते हैं और अपने जो व्रत हैं उसमें दोष लग गया है ऐसा मानते हैं। घर में रहकर के भी जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए तरह तरह के संबंध होते हैं, तरह तरह के व्यवहार होते हैं, लेकिन फिर भी जो अड़ुव्रती हो जाते हैं उनको इन चीज़ों से अपने को बचा करके ही उस ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत को निर्दोष रखना होता है। तो यहाँ सबसे पहला दोष बताया जाता है पर विवाह करना, क्या करना, पर का विवाह करना, यानी जिस गृहस्थ का स्वयं विवाह हो चुका है अब वह जो है दूसरे के विवाह में इंटरेस्ट न ले,
दूसरे के संबंध बनाना, दूसरे के संबंधों को मिलाना, है ना, और दूसरे की कुंडलियां मिलवा मिलवा करके सबके बीच में एजेंट का काम करना, ये भी जो शौक होता है लोगों को, इसके लिए भी यहाँ कहा जा रहा है कि वो अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे ये ज्ञान में आता है कि यह हमारे लिए जो हमने त्याग किया है, अब उसकी संयोजना दूसरे के लिए क्यों कराना। तो यहाँ पर आप दूसरों के विवाह से ये भी समझ सकते हैं कि अगर उसकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, अपने बेटे बेटियाँ हैं, तो उनके लिए तो वो कराएगा, कि अन्य जो हैं उनके विवाह कराने का भी वो त्याग करता है, तो उसका ब्रह्मचर्य निर्दोष पालन होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमन। इत्वरिका का मतलब होता है ऐसी स्त्रियाँ जिनके कोई भी अपने चरित्र नहीं होते हैं, है ना, कुछ कहना चाहिए बाजारू स्त्रियाँ भी होती हैं, कुछ जिन्हें शास्त्रों की भाषा में पुंश्चली या एक वैश्या के रूप में भी कहा जाता है, उनको भी यहाँ पर समझ सकते हैं इत्वरिका शब्द से, है ना। अब ये जो स्त्रियाँ होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो होता है परिग्रहित और एक होता है अपरिग्रहित। परिग्रहित का मतलब ऐसी भी कुछ स्त्रियाँ होती हैं जिनके चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनके पति तो होते हैं, तो उनको कहलाएंगे परिग्रहिता, है ना, कि जिनका कोई स्वामी है, जो किसी की हैं लेकिन फिर भी जो है उनका चाल चलन अच्छा नहीं, संबंध उनका पर पुरुष से बनाना एक स्वभाव बना हुआ है, तो ऐसी स्त्रियों के साथ में भी गमन, गमन का मतलब यहाँ पर चलना फिरना भी होता है और गमन का मतलब संगम भी होता है, समागम भी होता है, तो ये सब जो करना ये भी जो है उसके लिए दोषपूर्ण होता है। और अपरिग्रहिता वो कहलाती है जिसका कि कोई स्वामी ना हो, है ना, मतलब जिसका कोई भी मालिक ना हो और वह इस तरीके का चाल चलन रखती हो, इस प्रकार की दोनों तरह की स्त्रियों के साथ में कोई संबंध नहीं रखना, उनके साथ में घूमना फिरना या किसी भी तरीके का समागम करना, ये सब इसी दोष में आ जाता है। फिर ये दो दोष हो गए, तीन परिवाह करके साथ में तीन दोष हो जाते हैं। फिर आ जाता है चौथा अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा में पर स्त्रियों के साथ में या स्व स्त्री के साथ में वह जब अपने काम के अंगों से क्रीड़ा न करके और दूसरे उसके शरीर के साथ में क्रीड़ा करता है तो वो कहलाती है अनंग क्रीड़ा। तो इस अनंग क्रीड़ा का भी वह एक दोष देख करके उस प्रवृत्ति को भी वो छोड़ देता है। और पांचवा दोष आ जाता है काम तीव्र अभिनिवेश। काम की तीव्रता के साथ में अभिनिवेश माने एक अभिप्राय या भाव, यानी जिसमें काम की बहुत तीव्रता होती है तो वो तीव्र काम की अभिलाषा से उसके ब्रह्मचर्य का वह दोष कहलाता है। अगर वह उसके लिए कभी कोई इस तरीके की भावना उत्पन्न होती है तो दोष है, और अगर उसकी नियमित कोई ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है तो फिर उसमें कोई व्रत ही भी नहीं रह जाता है। तो एक काम तीव्र में इस तरीके का अभिनिवेश आ जाता है कि फिर वह ये नहीं देखता कि ये कौन है, छोटी बच्ची है कि बूढ़ी स्त्री है कि किसी की कोई जो है माँ है कि कोई उसका स्वामी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं देखता। काम की तीव्रता में वह सब चीज़ें भूल करके वो अपने भावों में बह जाता है, तो इसको बोलते हैं काम तीव्र का अभिप्राय, और इस अभिप्राय से भी उसका ब्रह्मचर्य दोष को प्राप्त होता है। जिसके अंदर ये पांचों प्रकार के दोष नहीं होते उसका ब्रह्मचर्य अणुव्रत निर्मल रहता है और वो निर्दोष रूप से पालन करता है। फिर आगे पांचवा व्रत है अपरिग्रह अणुव्रत। उसके दोष बताते हुए यहां कहते हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। ये दोष बताए जा रहे हैं प्रमाण का अतिक्रम करना। जो आप लिमिट बना ली है, प्रमाण का मतलब क्या है, आपने लिमिट बना ली, उन लिमिट का अतिक्रमण नहीं करना, उनका उल्लंघन नहीं करना। और वो लिमिट किस चीज़ों की है, क्षेत्र की। क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ क्षेत्र माने होता है खेत। क्षेत्र तो संस्कृत का शब्द है, खेत प्राकृत का शब्द है ना, जिसमें शस्य माने
फसल आदि उत्पन्न होती हैं उसे क्षेत्र कहा जाता है। तो लोगों के पास में जो भूमियां रहती हैं, मेरे पास 10 एकड़ भूमि है, 5 बीघा भूमि है, इस तरीके का ये क्षेत्र कहलाता है। अब उस क्षेत्र को जो हमने पहले मर्यादा बनाई थी अणुव्रत के समय पर, उसका हमने उल्लंघन कर दिया कुछ लोभ के कारण से, है ना, कि हमारे लिए वो ज़मीन सस्ती मिल रही थी या और ज़्यादा हमको वो लेनी पड़ गई कुछ हमें अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, फसल बढ़ाने के लिए, तो ये अतिक्रम कर देने का नाम इसका फिर दोष हो जाता है। तो क्षेत्र माने वास्तु में जो भी अपने पास में दुकान है, मकान है, तरह तरह के प्लॉट हैं, ये सब इसमें वास्तु में आ जाते हैं। जो भी रहने के योग्य जो चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए वास्तु हैं, और उसका भी जो हमने परिमाण बना रखा है उसका भी फिर हम अपने लोभ के कारण से उसकी सीमा का उल्लंघन करें तो वो भी दोष हो जाता है, तो उसका भी उल्लंघन नहीं करना। हिरण्य, हिरण्य यहाँ पर कहा जाता है ऐसी चीज़ें जो कि व्यवहार में काम आती हैं, लेन देन में काम आती हैं, जिनसे कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, है ना। जैसे कि जो ये सिक्के होते हैं, चांदी के सिक्कों को मुख्य रूप से हिरण्य के रूप में कहा जाता है, अथवा जो भी अपनी करेंसी है जो भी चलती है इस देश की, दूसरे देश की, वो सब करेंसी को भी हम यहाँ हिरण्य के रूप में गिनेंगे, वो यहाँ हिरण्य है। और स्वर्ण जो होता है वो स्वर्ण गोल्ड कहलाता है। जो कॉस्टली मेटल होते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो है इस स्वर्ण के अंतर्गत ही आ जाएंगे, या कोई भी सिल्वर वगैरह है, ये सब जो है इसी गोल्ड में, इसी में समाहित हो जाएगा, स्वर्ण में। तो ये सब चीज़ें जो उसने परिमाण कर रखी हैं और इन परिमाणों का वह अतिक्रम यदि करता है तो उसके लिए ये दोष लगता है। फिर उसमें आता है धन, धन का मतलब रहेगा, धन में तो ये सब गौधन, वाजधन, है ना, ये सब चीज़ें धन हो गई। यानी पहले के लोगों के पास में ये वाहन अधिक नहीं हुआ करते थे, गाय, बैल, घोड़े इत्यादि ये रखते थे, है ना, ये उनके लिए धन माना जाता था। जिसके घर में जितने ज़्यादा गैया हैं, जितने ज़्यादा बैल हैं, भैंस हैं, पशुधन जितना ज़्यादा है वो उतना धनवान माना जाता था, क्योंकि उनका पालन करना ही उसके लिए बड़ा होता था। तो जो जितना बड़ा धनी होगा, जमींदार होगा, गांव का प्रधान होगा, उसके पास में उतने ज़्यादा पशु रहते थे। तो ये धन का भी वह एक परिमाण कर लेता था कि मेरे पास में अब जो है परिग्रह के रूप में इतना ही ये पशुधन रहेगा, इसको वह धन कहते हैं। और धान्य में है ये सब तरीके का धान्य आ गया, चाहे वो चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मटर हो, गेहूं हो, है ना, सब तरीके की जो ये संपदाएं हैं जो खाने पीने के काम में आती हैं, ये सब जो है धान्य में आ जाता है। तो इनका भी प्रमाण होता है, इस प्रमाण का भी वह अतिक्रम करने पर परिग्रह परिमाण में दोष लगता है। दासी का मतलब जिनकी हम, जो हमारे लिए नौकर चाकर के रूप में रहते हैं या जिनकी हम नौकरी चाकरी करें, तो वह जो नौकरी चाकरी करने वाला है वह दास और दासी के रूप में कहलाएगा। पुरुष है तो दास कहलाएगा, स्त्री है तो दासी कहलाएगी। तो ये दासी दास भी जो है इनकी भी एक संख्या होती है, है ना। तो जो लोग परिग्रह का लिमिट करते हैं तो उनके लिए ये भी लिमिट रखी जाती है कि हम अपने घर में कितने नौकर रखेंगे, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने एम्प्लॉय रखेंगे, कितने लोगों से हम काम लेंगे, ये भी एक लिमिट बनाई जाती है। और कुप्य, यहाँ पर जो शब्द आया है कुप्य, कुप्य का मतलब होता है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। कहीं कहीं सूत्रों में कुप्य के साथ भांड भी लिखा रहता है, है ना। भांड माने होते हैं बर्तन और कुप्य माने होते हैं वस्त्र आदि, दो चीज़ें हैं। तो जो भी ये वस्त्र होते हैं कपास आदि के, ये सब वस्त्र और भांड में जो भी सोने चांदी या गिलट वगैरह किसी भी चीज़ के जो बर्तन हैं वो बर्तन। तो ये जो बर्तन और भांड, इन दोनों के भी प्रमाण का अतिक्रम करने पर इसमें दोष लगता है। कहीं कहीं सूत्रों में भांड नहीं भी लिखा रहता है, मूल जो टीकाएं हैं उनमें केवल कुप्य शब्द ही आता है, कुप्य में दोनों चीज़ों को ग्रहण कर लिया जाता है। जहाँ कुप्य है तो वह कुप्य में ही कुप्य और भांड दोनों अर्थों का ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन आचार्य महाराज का ये कहना रहता है कि जब यहाँ पर हर चीज़ के दो दो जोड़े बनाए हैं, जैसे क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, तो कुप्य के साथ भांड भी होना चाहिए।
है अब ना। क्या बचा, एक सूत्र आया था ना व्रत शीलेशु, व्रत और शील में। तो व्रत तो ये हो गए पांच, और शील क्या हुए, जो आगे दिग्व्रत देशव्रत आदि जो गुणव्रत के रूप में है वो तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, ये शील व्रत कहलाते हैं। तो शील व्रत जो है वो उन अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए ही है, जो उस अणुव्रत के लिए एक बाड़ के रूप में काम, जिसे फेंसिंग बोलते हैं, उसके रूप में काम करने के लिए होते हैं। तो उन व्रतों की भी, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों की भी जो लोग संकल्पना कर लेते हैं कि मैं इन गुणव्रतों का और शिक्षा व्रतों का पालन करूंगा, उनके लिए भी उन गुणव्रतों में दोष न लगें, इसलिए यहाँ पर एक एक सूत्र में क्रम से करके प्रत्येक व्रत के अतिचार बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दिग्व्रत। गुणव्रत में सबसे पहला व्रत कौन सा, दिग्व्रत। दिग्व्रत माने जो उसने दिशाओं की मर्यादा की थी, दिशाओं का व्रत लिया था, सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में, उन चार के बीच में भी क्रॉस करके जो और चार बन जाती हैं वो विदिशाएं हो जाती हैं, है ना। हाँ, आग्नेय ईशान नैऋत्य और वायव्य, ये चार भी और विदिशाएं हो जाती हैं, और फिर जो है एक ऊर्ध्व दिशा एक अधो दिशा, ऐसी दसों दिशाना प्रतिसंहार, रत्नकंड श्रावकाचार में भी यही आता है, दसों दिशाओं का वह नियम कर लेता है। तो दसों दिशाओं में जो उसकी हम इससे आगे गमन नहीं करेंगे, कोई भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, इस तरीके की जो उसने अपनी लिमिट बनाई, उस लिमिट में भी कभी कभार दोष लग जाते हैं, उन दोषों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। वो अतिचार कौन से हैं, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानी, हाँ ये पांच अतिचार हैं। ऊर्ध्व अधः और तिर्यक, इन तीनों शब्दों के साथ में व्यतिक्रम शब्द को लगाना, व्यतिक्रम माने उल्लंघन। तो ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन कर लेना, यानी जो ऊपर की दिशा थी उस ऊपर की दिशा का जो भी उसने अपना किलोमीटरों में प्रमाण बनाया था, या किसी पर्वत को लेकर के उसने प्रमाण बनाया था कि हम इस पर्वत की ऊंचाई के आगे वाले पर्वत पर नहीं जाएंगे, इस तरीके की जो प्रमाण बना ली जाती है उसमें भी कभी कभार अपने लोभ या किसी काम के कारण से उसमें उल्लंघन हो तो वह उसका अतिचार कहलाता है। तो ये ऊर्ध्व दिशा का प्रमाण का अतिक्रम, अधो दिशा में भी इसी तरीके से हो जाता है, क्योंकि अनेक जगहों पर कई तरह के खाइयाँ होती हैं, बिल होते हैं, कई तरीके के निचले स्थान भी होते हैं, सुरंगें होती हैं, जहाँ पर कभी जाना पड़ जाए व्यापार आदि के निमित्त से या कभी घूमने के निमित्त से, तो वह भी जो है जो उसने लिमिट बना ली है उस लिमिट को देख कर के ही जाएगा कि ये सुरंग कितनी नीची है। तो उस तरीके की वह सब पहले से लिमिट बना करके कि हमें अधो दिशा में कितने किलोमीटर नीचे जाना, ऊर्ध्व दिशा में कितना ऊँचा जाना, और फिर उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना, तो ये ध्यान में रखना होता है। और तिर्यक में वो सब आ जाएगा, चारों दिशाएं और चारों विदिशाएं, ये सब तिर्यक गमन में आ जाएगा, जो तिरछे रूप में कहीं पर भी उसको जाना है वह गमन उसके लिए जितनी मर्यादा में है वो उतनी मर्यादा में करे। यह अणुव्रत की अणुव्रति जिसने गुणव्रत ले लिए हैं उसके लिए है। फिर चौथा दोष आ जाता है क्षेत्र वृद्धि। अब क्या कर लिया उसने, अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, जो ऊर्ध्व अधः तिर्यक में व्यतिक्रम कर लिया, माने एक तो वो उल्लंघन करके चला गया है ना, इधर उसने समझदारी से थोड़ा सा काम किया, क्षेत्र वृद्धि में क्या किया उसने कि उसमें ये समझदारी ऐसी आ जाती है, चतुर तो सब होते ही हैं, कि देखो जैसे हमने मर्यादा बनाई यहाँ है कि हम मान लो फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर में है, यहाँ से हमें ईस्ट डायरेक्शन में हमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना या 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना, हमने ऐसे यहाँ से मर्यादा बना ली। अब हुआ यूँ कि हमें वहाँ पर काम पड़ रहा है, वो जगह है आगे की 550 किलोमीटर रही है, तो वो क्या करता है कि उसने जो पीछे मर्यादा बनाई थी पश्चिम दिशा में, समझ आ रहा ना, उसमें भी उसने 500 किलोमीटर की बनाई थी, तो उसको वो 450 की कर लेगा, उसको 550 की कर देगा तो ये कहने का ये हो जाएगा
क्षेत्र वृद्धि। तो इन जो पहले के जो अतिक्रम है तिर्यक व्यतिक्रम में और इसमें ये अंतर हो गया है ना, उसमें तो उसने सीधा सीधा उल्लंघन कर दिया और इसमें जो है उसने केवल क्षेत्र की वृद्धि कर ली, लोभ के कारण से इधर कम कर दिया, इधर प्लस इधर माइनस कर लिया उसने। तो ऐसा भी जो किया जाता है, ये भी आचार्य कहते हैं ये भी तुम अपने लोभ के कारण से कर रहे हो, इसलिए ये भी दोषपूर्ण है। और स्मृत्यंतराधानी, स्मृत्यंतराधान, स्मृति का अंतर्धान हो गया, यानी स्मृति ही चली गई, पता ही नहीं हमको जब महाराज आए थे, जब तो हमने व्रत ले लिए थे और जब 4 साल बाद सोचा कि हमने व्रत लिए हैं तो उसकी कभी जरूरत तो पड़ती नहीं कि दिग्व्रत की रोजाना याद रखें कि हमने कितनी लिमिट बनाई थी, कितने किलोमीटर जाना था, क्या करना था, तो वो कहीं लिखा भी नहीं था। और बातों बातों में बातें तो कर ली थी या कुछ संकल्प भी ले लिया था कि हाँ भाई इतनी 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 की हो जाएगी, और बाद में 4 साल बाद भूल गए कि हमने कितने किलोमीटर की लिमिट बनाई थी। तो ये स्मृति नहीं रहना भी एक दोष है। इसलिए जो भी गुणव्रती हैं दिग्व्रत को लेते हैं वो अपनी डायरी मेंटेन किया करें है ना, वो लिख करके रखें कि हमने क्या क्या गुणव्रत लिए हैं, और उन दिग्व्रतों में देश व्रतों में आगे आने वाले जो देश व्रत हैं और भी भोगों को वगैरह व्रत हैं उन सबकी उनके पास में लिस्ट होनी चाहिए, तब वो सही फलते हैं। जैसे आप अपने व्यापार का लेखा जोखा रखते हैं वैसे आपको अपने व्रतों का भी लेखा जोखा रखना है, क्योंकि उसके बिना वो फिर आप भूल जाओगे, तभी जो है उनके लिए व्रतों का एक बहुमान दिखाई देगा। और ऐसे तो सब चीज़ें क्या होता है कि जब तक हमारे सामने वो चीज़ें चलती रहती हैं तब तक तो वो चीज़ हमें ध्यान रहती है, और कभी हम 2-4 दिन किन्हीं चीज़ों में उलझ गए, किन्हीं घर के कामों में है ना, कहीं हॉस्पिटलों के चक्कर में, घर में कोई ट्रेजडी हो गई उसके चक्कर में, अगर कहीं हम 2-4 दिन उलझ गए तो फिर सब जो है भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या किया था, इसलिए उसको लिख करके रखो। तो यहाँ स्मृति का अंतर्धान ये भी एक दोष बताया गया, अंतराधान, ठीक है ना। इसी तरीके से दिग्व्रत देशव्रत, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाहा, ये देशव्रत के 5 दोष हैं। अब दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर ही देशव्रत लिए जाते हैं, यानी कि जो हमने बड़ी मर्यादा बना ली थी अब उसमें हमने छोटी मर्यादा में कि इतने स्थान तक ही हम गमनागमन करेंगे इतने दिनों तक, तो उस तरीके की मर्यादा को देशव्रत कहा गया है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या दोष आया, आनयन, आनयन का मतलब होता है बुलाना, आनयन माने हाँ जो मर्यादा के बाहर है उससे हमें काम पड़ गया, हमने नियम लिया था कि हम जो है अपने शहर को 8 दिन तक के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे, 8 दिन के तक उससे बाहर गमन नहीं करेंगे, लेकिन हमें बीच में कोई काम पड़ गया तो हमें वहाँ से किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई उस मर्यादा के बाहर, तो वो भी जो है चूँकि हम नहीं जा रहे हैं तो हम किसी को बुला भी नहीं सकते, मर्यादा के बाहर का हमारा त्याग है, तभी उसका यह दिग्व्रत या देशव्रत एक महाव्रत की संकल्पना के साथ में परिवर्तित होता है। जो मर्यादा बन जाती है मर्यादा से बाहर उसके स्थूल और सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाने से वो महाव्रत के रूप में गिने गए रत्नकंठ श्राव का 4 ग्रंथ में, तो उसी तरीके से उसको इन देश व्रतों का एक बहुमान रखना है कि अगर तरह तरह से देश व्रत होते हैं, लोग अपने घर में रह रहे हैं, घर के अंदर ही हमारे रहने का नियम हो गया, मान लो हमने सोचा कि आज हम 1 दिन घर के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन में तो सब रह करके अभ्यासी हो चुके हैं, कम से कम कोरोना ने आप लोगों को इतना अभ्यास तो करा दिया कि घर के अंदर भी रह सकते हो 2 महीने 3 महीने है ना, और ये अभ्यास आपके लिए इन्हीं व्रतों के रूप में देखने को आ रहा है। अगर मतलब आपने व्रत नहीं लिए तो कम से कम आपने व्रत का एक अभ्यास तो कर लिया, अब अगर आप व्रत ले लोगे तो आपके लिए वो जो अभ्यास है वो काम में आएगा। अगर आपने उस तरह का नियम ले लिया कि हमें एक घर में अपने ही घर के अंदर बिल्कुल बंद होकर के रहना है, आपको जरूरत पड़ी कोई भी चीज़ की, खाने पीने की कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ी, सामने कोई भी
ठेले वाला निकला, कोई भी सामान लेकर के निकला। अब वो जो आप वहां से उस सामान को ले रहे हो, अगर आपने नियम बना लिया कि मुझे घर के अंदर ही रहना है, तो फिर आप उस सामान को भी वहां से नहीं ले सकते हो। सुन रहे हो? तो अभी आपने जो कोरोना काल में नियम का पालन किया है, वो इतना अच्छा वाला नियम का निर्दोष पालन नहीं किया, लेकिन इतना तो हो गया कि हाँ चलो घर में रहना सीखने लगे। अगर इस तरीके के हम अतिचार से रहित भी होकर के सीखना चाहें, तो उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। हमें कोई भी जरूरत की भी चीज अगर हमारे सामने आ रही है, तो हम उस दिन उसको नहीं लेंगे, कोई दूसरा ले आए, रख जाए, बात अलग है, लेकिन हमें उसकी अपने तरफ से उसको बुलाने की, तो हम तो नहीं जा रहे हैं नीचे उतर करके, या उस सड़क पर हमने उस जो माल लेकर के आ रहा था, ठेले वाला था या कोई भी व्यक्ति था, उसको हमने बुला लिया, हाँ भाई घर पे माल रख जा या दे जा, या उसी में हमने ऊपर से रस्सी टांग दी। आजकल तो भी सिस्टम रहता है ना, तीन तीन चार चार बिल्डिंग ऊपर रहते हैं, तो ऊपर से रस्सी टंगी रहती है, तो वो रस्सी टांग दी नीचे, उसने पैकेट में भर दिया, ऊपर रस्सी खींच ली, तो ये भी इसमें आनियन में आ जाएगा, ये दोष कहलाएगा, आज के समय का ये आनियन है, ठीक है ना। दूसरा प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य मतलब दूसरे को भेज करके जो जाने के योग्य है, प्रेष्य माने वैसे दूत वगैरह भी होता है, कोई भी अपने घर का नौकर चाकर, कोई भी दूसरा व्यक्ति, उसको भेज करके उस तरीके का प्रयोग करा लेना, उस तरीके का काम करा लेना। तो जब हम नहीं उस मर्यादा के बाहर जाने का संकल्प लिए, तो हम किसी दूसरे को भी भेज करके उसका काम नहीं करा सकते हैं, तभी वो हमारे लिए निर्दोष रूप से व्रत कहलाया। तीसरा है शब्द और शब्द का अनुपात, अनुपात माने फेंकना, शब्द फेंकना, है ना, कि जैसे किसी के लिए अपनी घर के अंदर ही रहना था, अब उसको किसी से कुछ काम पड़ा और वो व्यक्ति बाहर कहीं घूम रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक भाव आया कि हम इसको इशारा कर दें ताकि ये व्यक्ति मुझे देख करके और ये मेरे पास में आ जाए, और मुझे जो इससे बात करनी है वो ये बात कर ले, या इसको जो मुझसे बात करनी है बात हो जाए। तो उसके लिए किसी भी तरीके का शब्द करना, माने आप उसको डायरेक्ट नहीं बुला रहे हो, इनडायरेक्ट खकारना, है ना, कुछ नहीं है तो ताली बजा देना ये भी शब्द ही हो गया, है ना, ताकि वो उसका ध्यान इधर आ जाए कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। और चौथा है रूपानुपात, रूप माने अब आप बोल नहीं रहे हैं, केवल आप अपने को दिखा रहे हैं, बस वो मुझे देख ले, आप बालकनी में घूम रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मुझे देख ले, तो देख करके ही वो मेरे पास में आ जाएगा, इसका नाम है रूपानुपात। तो रूप का आप अनुपात कर रहे हैं, अनुपात माने उसके सामने प्रक्षेपण कर रहे हैं। और पांचवा है पुद्गलक क्षेप, पुद्गल कोई भी चीज है, कागज की आपने तीर बना दिया, जैसे बच्चे बनाते हैं ना, कागज का आपने लड्डू बना दिया, उसके लिए फेंक दिया, या कोई भी कंकड़ मार करके फेंक दिया, तो उसको पता पड़ गया कि हाँ भाई ये वहाँ बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, तो उस तरीके से ज्ञान में आ जाना उसके, और फिर उससे अपना काम लेना, या उसको अपनी बात बताना, या उससे जो है अपने व्यापार संबंधी जो भी चर्चाएं थी वो आगे करना, ये सब पुद्गलक क्षेप में आ जाएगा। तो आचार्य कहते हैं ये दोष तब होते हैं जब हमारे सामने अपनी जो मर्यादा बनी हुई है उस मर्यादा से बाहर भी किसी से काम पड़ रहा हो। अब काम तो पड़ रहा है, लेकिन हम उस काम के लिए अपने व्रत को भी तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और कोई ना कोई तरीके अपना रहे हैं, तो वो सब तरीके हमारे लिए दोष में आ जाते हैं। जैसे आप लोग मौन रखते हैं कभी कभी, है ना, एक निर्दोष मौन होता है, एक सदोष मौन होता है ना। तो निर्दोष मौन का मतलब कि हमें फिर किसी भी तरीके का कोई इशारा नहीं करना, जब देश व्रत में इस तरीके के इशारों से दोष लगता है, तो मौन में भी तो दोष लगेगा, तो वह भी एक दोष है कि हमें अगर काम पड़ा है तो हमने उसको कुछ ना कुछ इशारे से बताया, हूं करके भी बोल रहे हैं, तो मौन तो है लेकिन हूं चल रहा है, तो ये भी जो है उस मौन के अंदर का एक दोष है। मौन माने एहसास ही नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहां है या नहीं है, बस जैसे नहीं ही है ऐसा ही लगना चाहिए, तो उसका वह मौन कहलाता है। उसको बोलते हैं एक मौन, मन से मौन, किससे मौन, आप क्या समझते हो, वचन से मौन का नाम मौन है ना, लेकिन मौन किससे होना चाहिए, मन से मौन होना चाहिए। वचन से मौन तो हो जाता है, और उसके बावजूद भी हमारी सब क्रियाओं के माध्यम से सब काम चल जाते हैं,
तो कई लोगों के लिए मौन भी बड़ा सरल हो जाता है, लेकिन मन से मौन का मतलब मन ही बिल्कुल शांत हो गया, मन में ही किसी भी तरीके का वचन बोलने का या कुछ बताने का भाव ही नहीं रहा, ये कहलाता मन से मौन। सृजिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।